हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज डिवोशनल स्टडी में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर की। सो फ्यूचर में आज अब कौन सी ऐसी पांच लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो मार्केट में काफी चलने वाली हैं, तो हम लोग आज बात करेंगे उन्हीं पांच लैंग्वेजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन पांच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो फ्यूचर में काफी चलने वाली है, काफी बूम मचाने वाली है मार्केट में। सो सबसे पहले आता है उसमें नाम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आर एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बेसिकली बनाई गई है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए, जो बेसिकली सपोर्ट करती है आर फाउंडेशन के थ्रू। बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है कि ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ये काम करती है। सो बेसिकली इट वॉज डिजाइंड बाय द स्टैटिस्टिशियंस, जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं बेसिकली, जो नासा में जो काम करते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके काम को आसान बनाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो ये लैंग्वेज आने वाले टाइम में काफी इसका यूज होने वाला है। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ आती है, इसके अंदर काफी स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं और यूजफुल स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम का यूज हम करते हैं इसके अंदर। और सो बेसिकली ये काम, आप अगर इसको मोटी मोटी बात में कहें तो ये डेटा साइंटिस्ट जितने होते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल लैंग्वेज है। आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो है rproject.org, और इसको डिजाइन किया था रॉस एला एंड रॉबर्ट जेंटलमैन ने। सो ये जैसे मैंने बताया, ये आने वाले टाइम पे काफी बूम करने वाली है। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट लैंग्वेज जो आती है वो है जावा 8, जो कि सबसे ज्यादा एवरग्रीन लैंग्वेज है हम लोग कह सकते हैं। ये एक नई लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, ये मोस्ट अवेटेड लैंग्वेज थी इस साल की। एंड इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। सो बात करें क्या कैसे ये काम करेगी या क्या है इस लैंग्वेज के अंदर। सो बेसिकली ये सबके लिए पहली लैंग्वेज नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। जावा को हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। यू कैन यू नो बिलियंस ऑफ जार फाइल्स जो हैं वो आजकल आज भी अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही हैं। जावा 8 थोड़ी डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो नए फीचर आए हैं वो हमको फंक्शनल टेक्निक्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि बेसिकली यू नो यू डोंट हैव टू यूज देम, बिकॉज आप अगर इसको यूज करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप जावा 8 पे जा रहे हैं तो आप अपने पुराने मेथड पे स्टिक रहें। ऐसा इसलिए है, अगर आप उस पर स्टिक नहीं रहेंगे सो ये एक चांस हो सकता है, सो यू विल मिस द चांस टू यू नो थिंक फंक्शनली, कैसे हम फंक्शनली काम करते थे पहले जावा में, और कैसे एक क्लीनर और फास्टर कोड हम बना सकते हैं जावा में। सो अगर आप ज्यादा इस पे फोकस करेंगे, फंक्शनैलिटीज हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो नेक्स्ट लैंग्वेज है स्विफ्ट। स्विफ्ट हम बात करें तो आप ये काफी पॉपुलर लैंग्वेज है ऑलरेडी। स्विफ्ट बेसिकली एप्पल के थ्रू बनाई गई है, इसके इसको डिजाइन किया था क्रिस लैटनर ने। सो इसका जो मेन फोकस है वो एप्पल के मैक ओएस पे है, आईओएस पे है, टीवीओएस, वॉच ओएस और लिनक्स पे है। सो इससे पहले जो हम लैंग्वेजेस यूज कर रहे थे वो थी ऑब्जेक्टिव सी। सो वो थोड़ी मैसी थी, उसमें जो हम कोड लिखते थे काफी मैसी कोड होता था। सो एप्पल ने स्विफ्ट को इंट्रोड्यूस किया और अब ये काफी स्ट्रांगली हम यूज भी कर रहे हैं आजकल की जितनी भी एप्लीकेशंस आप देखते हैं। सो आने वाले टाइम पे इसका बूम रहने वाला है। हम स्विफ्ट को काफी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम्स पे एप्पल डिवाइसेस और ज्यादा मार्केट में बढ़ने वाले हैं। सो मेकिंग इट मोर यू नो लाइक राइटिंग इन मॉडर्न लैंग्वेजेस। सो जैसे कि स्विफ्ट है, स्विफ्ट को आप कंपेयर कर सकते हो जावा और पाइथन से, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सी जो थी वो काफी मेसी लैंग्वेज थी, इसीलिए उसको हटा के स्विफ्ट लाया गया, जो कि मॉडर्न लैंग्वेज के अंडर आती है। सो आई वुड से ये भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज होने वाली है नेक्स्ट कुछ सालों में। आगे इसके बाद बात करते हैं हम
जो चौथी लैंग्वेज आती है गो, जो कि है गूगल के थ्रू। गो इज अनदर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो गूगल ने ही बनाई थी 2009 में। इसके जो डेवलपर थे वो रॉब पाइक और केन थॉमसन थे। सो बेसिकली गो जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आप के लिए काफी रिलायबल और काफी एफिशिएंट लैंग्वेज साबित हो सकती है इन फ्यूचर। बेसिकली गूगल ने इसको बनाया जो था अपने सर्वर्स को पावर देने के लिए। कहने का मतलब ये है, दे डिसाइडेड कि हम कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाए जो काफी इजी हो, काफी अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि एक प्रोग्रामर को बहुत आसानी से समझ में आए। हालांकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही अंदर आती है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्शंस यूज नहीं किए गए हैं, बहुत इजी गोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, golang.org, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई वुड से एक टीम के लिए ये बहुत हेल्पफुल लैंग्वेज है। सो ये भी एक नई एक पॉपुलर लैंग्वेज होने वाली है इन फ्यूचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद जो पांचवी लैंग्वेज हमारे पास आती है वो होगी कॉफी, कॉफी स्क्रिप्ट। कॉफी स्क्रिप्ट बेसिकली एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंपाइल करती है जावा स्क्रिप्ट में। जो भी इसका कोड होता है सो कंपाइल करती है जावा स्क्रिप्ट में। ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सिंटैक्टिक शुगर ऐड करती है, जो कि इंस्पायर्ड है रूबी, पाइथन, हैस्किल जैसी लैंग्वेजेस से। फ्यूचर में अगर इसकी बात करें तो ये एक प्रोग्रामिंग, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग टूल है जो कि सिंटैक्टिक शॉर्ट हैंड बैक को रेगुलर जावास्क्रिप्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अगर हम इसको और अच्छे से जाने तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग यूज करते थे, काफी सेमी कॉलन्स का यूज करते थे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे, तो उन्होंने ये जावा कॉफी स्क्रिप्ट इसलिए बनाई ताकि एक तरह का प्री प्रोसेसिंग टूल है, जो कि जितने भी सिंटैक्टिक शॉर्ट एंड बैक एंड यू नो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको रेगुलर जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी कंपाइल कर दे। तो आपको वो पार्ट जो हमारा शॉर्ट एंड का काम है वो नहीं करना पड़ता इतना। तो ये काफी टाइम सेविंग लैंग्वेज है आई वुड से। सो ये भी एक तरह की पॉपुलर लैंग्वेज होने वाली है इन फ्यूचर। सो यू कैन इवन चेक द स्पेसिफिकेशन, इवन हम लोग इसको नोट जेएस के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो कॉफी स्क्रिप्ट डॉट ओ आर जी इसकी वेबसाइट है। जेरेमी एशकिंस ने इसको डिजाइन किया है। सो ये मेरी पांच टॉप की फाइव लैंग्वेजेस है जो फ्यूचर में आने वाली मार्केट में धूम मचा सकती हैं। आप वन बाय वन एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और इसको पढ़ने के लिए विकिपीडिया पे भी आप जा सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है इसके बारे में, कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं सो प्लीज कमेंट में बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।